अग्निपथ योजना के खिलाफ अब विरोध तेज होता जा रहा है। युवाओं के साथ अब राजनीतिक पार्टियां व क्षेत्रीय दल भी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने में जुट चुके हैं। सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना के विरोध में अल्मोड़ा में आज युवा क्रांति समिति ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक होनी थी, लेकिन अनुमति नहीं होने के चलते पुलिस ने बैरियर के पास यात्रा को रोक लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस व युवा क्रांति समिति से जुड़े कई युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने यात्रा में पहुंचकर युवाओं को समर्थन दिया। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जैसे कि देश में टीओटी लागू हो गया, हम उसके विरोध में, और जो हमारा 1.5 साल से रिटर्न बचा हुआ है वो सरकार अभी तक नहीं कराई है, तो उसके उसको जल्द कराने के विरोध में हम आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक। देखिए, आज तिरंगा यात्रा को लेके जो क्षेत्रीय स्तर पे कुछ लोग जो एक्टिव हैं तो उनके द्वारा निकाली गई थी, और ये यात्रा लोदिया बैरियर तक गई थी, और लोदिया बैरियर में उन्होंने खुद ही इसको समाप्त कर दिया था। शांतिपूर्वक ये यात्रा हमारी हुई है और वहीं से ही उनको फिर डिस्पर्स कर दिया था।